24 जनवरी को दोपहर 12 बजे के करीब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में ज्योतिष में विश्वास रखने वाले करोड़ों जातक शनि के प्रभाव को लेकर चिंतित है। शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही वृश्चिक राशि साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त होगी, जबकि कुंभ राशि पर साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। इस राशि परिवर्तन के साथ ही वृष और कन्या राशियों पर शनि के ढैया का प्रभाव खत्म होगा, जबकि मिथुन और तुला राशियां ढैया के प्रभाव में आ जाएंगी। आम तौर पर लोगों में ये धारणा है कि शनि की महादशा साढ़े साती अथवा ढैया का दौर कष्टकारी रहता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो शनि देव की साढ़े साती के दौरान ही बुलंदियों पर पहुँचे हैं। दुनिया का सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस हो या दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल, राजनीति और एंटरटेनमेंट के दिग्गजों को अपने करियर का सबसे ऊंचा मुकाम शनि की साढ़े साती के दौरान ही देखने को मिला है। 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पैदा हुए जेफ बेजोस की चंद्र कुंडली धनु राशि की है और जेफ बेजोस पर 2 नवंबर 2014 को शनि की साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। ये साढ़े साती 24 जनवरी को खत्म होगी, लेकिन पिछले 9 साल में ही इस साढ़े साती के दौरान जेफ बेजोस ने अपने करियर में बुलंदियों को छुआ है और साढ़े साती के दौरान जुलाई 2018 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इस साढ़े साती के दौरान उन्होंने मई 2016 में अपनी कंपनी के 1 मिलियन से ज्यादा शेयर $671 मिलियन में बेचे और इसी साल अगस्त 2016 में ही उन्होंने 1 मिलियन अन्य शेयर बेचकर $756.7 मिलियन की कमाई की। 14 जून 1946 में जमैका में पैदा हुए डोनाल्ड ट्रंप की चंद्र कुंडली वृश्चिक राशि की है और उन पर शनि की साढ़े साती 15 नवंबर 2011 को शुरू हुई थी। इस साढ़े साती के दौरान ही 2016 में वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में आए और 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप विरोधियों पर छाए रहे और अंतिम नतीजा भी ट्रंप के पक्ष में निकला और उन पर चल रही साढ़े साती भी 24 जनवरी को खत्म हो रही है, लेकिन इस साढ़े साती के दौरान ही वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बने और बुलंदियों को छुआ। 19 अप्रैल 1957 को आदिन बरेक में पैदा हुए रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी की चंद्र कुंडली धनु राशि की है। उन पर भी 2 नवंबर 2014 से शनि की साढ़े साती चल रही है और ये साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। इस साढ़े साती के दौरान ही मुकेश अंबानी ने बेशुमार दौलत कमाई। इस दौरान ही उनकी नई कंपनी जियो भी खुली और देखते ही देखते देश की नंबर एक टेलीकॉम कंपनी बन गई। जुलाई 2018 में वो चीन के जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बने। 17 सितंबर 1950 को मेहसाना में पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्र कुंडली वृश्चिक राशि की है। नरेंद्र मोदी नवंबर 2011 से साढ़े साती के प्रभाव से गुजर रहे हैं। इस साढ़े साती के दौरान ही वो दिसंबर 2012 में तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इस साढ़े साती के दौरान ही मई 2014 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। मोदी पर ये साढ़े साती 24 जनवरी तक चलेगी, लेकिन शनि की ये साढ़े साती उन्हें जाते जाते आखिरी चरण में दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना गई। हम आपको आज वो नाम बताएंगे जिन्होंने साढ़े साती में अपना, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन किया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिनकी तुलना कई सालों तक याद रखी जाएगी। सबसे पहले साढ़े साती में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने दोनों ही इलेक्शन साढ़े साती के दौरान जीते हैं और प्रधानमंत्री के पद के ऊपर असीम हुए हैं। दूसरा नाम आता है साढ़े साती में जिन्होंने जीत हासिल की, वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप जी। उन्होंने भी अपने दिग्गज प्रतिद्वंदी को हरा के एक ऐसे जीत हासिल की जिनके कारण दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ और दुनिया उन्हें एक अलग ही पहचान से जानने लगी। तीसरा नाम आता है जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई जी का, जिन्होंने भी साढ़े साती में अपने पद की गरिमा को बढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री बने। अब हम बात करेंगे उन क्रिकेट के प्लेयर्स की जिन्होंने साढ़े साती के अंदर देश का नाम रोशन किया और हमारे देश का गौरव बढ़ाया। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी जी, जिन्होंने दो दो वर्ल्ड कप जीते अपनी साढ़े साती के दौरान
और ये एक भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसके बाद विराट कोहली जी, विराट कोहली के ऊपर जैसे ही साठ सती स्टार्ट हुई वो कप्तान बने भारतीय क्रिकेट टीम के, और उनकी शादी भी साठ सती के बीच में ही हुई। अब हम बात करते हैं फिल्म स्टार्स की। फिल्म स्टार में साठ सती में सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाली जो एक्ट्रेस है वो है एकता कपूर। एकता कपूर जी ने बहुत ही छोटी उम्र में और बहुत छोटे कैरियर के अंदर साठ सती में खूब नेम फेम और प्रोस्पेरिटी गेन की। उसके बाद नाम आता है प्रियंका चोपड़ा जी का। प्रियंका चोपड़ा ने साठ सती के अंदर विश्व सुंदरी बनी और भारत का नाम रोशन किया और अपने आप को एक अलग पहचान और एक अलग मुकाम हासिल किया। उसके बाद नाम आता है दीपिका पादुकोण जी का। दीपिका पादुकोण को उनकी पहली मूवी ओम शांति ओम साठ सती स्टार्ट होने के चौथे दिन फोर्थ डे में ऑफर आई और उस फिल्म ने उनको एक कामयाबी की अलग ही दिशा दी, अलग शिखर पे पहुंचा दिया। अब हम बात करेंगे विश्व के जाने माने उन चेहरों की जिन्होंने साठ सती में अपने आप को अलग पहचान बनाई और अलग मुकाम हासिल किया। सबसे पहले नाम आता है गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी का। सुंदर जी को अपने गूगल में CEO की ऑफ़र साठ सती के लगने के डेढ़ साल बाद मिली। उन्होंने अपने साथ साथ गूगल को भी बहुत प्रमोट किया है और गूगल का नाम दुनिया के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पब्लिक सेक्टर में जुड़ा गया है। उसके बाद नाम आता है जी मुकेश अंबानी जी का। साठ सती के बाद मुकेश अंबानी जी दुनिया के 10th सबसे बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ गए हैं। एशिया के तो वो नंबर वन बन ही चुके थे और दुनिया के 10वें नंबर पे उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की चंद्र कुंडली कन्या राशि की है और उन पर भी नवंबर 2006 से लेकर नवंबर 2014 तक शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहा है। ये भी तथ्य है कि उनके जीवन में उपलब्धियों की शुरुआत भी शनि की साढ़े साती के साथ ही शुरू हुई। विराट कोहली को इस दौरान 2008 में भारत की अंडर 19 की कप्तानी करने का मौका मिला और उनकी कप्तानी में ही भारत अंडर 19 में विश्व विजेता बना। अगस्त 2008 में उन्हें भारतीय टीम में एंट्री भी साढ़े साती के दौरान ही मिली और नवंबर 2014 तक वो साढ़े साती के प्रभाव में रहे और उन्हें 2014 के अंत में भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया। 29 फरवरी 1896 को भदेली में पैदा हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई की चंद्र कुंडली सिंह राशि की है और वो जुलाई 1975 से लेकर अक्टूबर 1982 के दौरान साढ़े साती के प्रभाव में रही हैं। इस दौरान देश में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद वो चर्चा में आए और 1977 में हुए चुनाव के बाद उन्हें शनि की साढ़े साती के दौरान ही देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। वो 28 जुलाई 1989 तक देश के चौथे प्रधानमंत्री रहे। देसाई से पहले सांसद के अलावा बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का मौका उन्हें शनि की साढ़े साती में ही मिला। 7 जुलाई 1981 को रांची में पैदा हुए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चंद्र कुंडली कन्या राशि की है और धोनी 1 नवंबर 2006 से लेकर 2 नवंबर 2014 तक शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रहे हैं। इस दौरान धोनी 2008-09 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए, जबकि 2007 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और 2009, 2010 और 2013 के दौरान वो ICC वर्ल्ड टेस्ट 11 के कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में ही अप्रैल 2011 में भारत ने विश्व कप जीता। ये सारी उपलब्धियां उन्हें शनि की साढ़े साती के दौरान ही मिली है। 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में पैदा हुई पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा की चंद्र कुंडली वृष राशि की है। प्रियंका 17 अप्रैल 1998 से लेकर सितंबर 2004 तक शनि की साढ़े साती के प्रभाव में रही है। इसी दौरान 2000 में वो फेमिना मिस वर्ल्ड बनी और इसके बाद उन्होंने 3 नवंबर 2000 को लंदन में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसी दौरान 2002 में प्रियंका चोपड़ा को तमिल फिल्म तमिजान से बॉलीवुड में एंट्री का मौका मिला और 2004 में आई उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी हिट फिल्म रही।
5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन में पैदा हुई फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की चंद्र कुंडली तुला राशि की है। दीपिका पादुकोण सितंबर 2009 से लेकर जनवरी 2017 तक शनि की 7.5 के प्रभाव में रही है। इसी दौरान दीपिका ने बाजीराव मस्तानी, ये जवानी है दीवानी, पीकू, चेन्नई एक्सप्रेस, कॉकटेल, तमाशा, हैप्पी न्यू ईयर, लव आजकल, हाउसफुल, ये जवानी है दीवानी, रामलीला जैसी हिट फिल्में दी। इसी दौरान वो 2014 और 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजी गई। 7 जून 1975 को मुंबई में पैदा हुई जानी मानी टेलीविजन प्रोड्यूसर एकता कपूर की चंद्र कुंडली मेष राशि की है और एकता कपूर फरवरी 1996 से लेकर जनवरी 2002 के बीच शनि की 7.5 के प्रभाव में रही है। उनके करियर को ध्यान से देखा जाए तो 7.5 के प्रभाव के दौरान सन 2000 में ही देश के नंबर वन टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शुरुआत भी एकता कपूर ने 2000 में ही की थी। इसी दौरान एकता ने कहानी घर घर की शुरुआत भी की। ये शो भी देश में काफी पॉपुलर हुआ। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।